ये है सैमसंग गैलेक्सी A50s प्रिज्म क्रश ब्लैक कलर। आज इस फोन का हम रिव्यू करेंगे। दिखने में ये गैलेक्सी A50 जैसा ही है, बट उससे बहुत पावरफुल है। सैमसंग गैलेक्सी A50 अब तक का A सीरीज में सबसे हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है कंपनी का। अब इसे कंपनी ने मॉडिफाई करके A50s के नाम से लॉन्च किया है। सैमसंग A50 जो था उसमें 4GB और 64GB वेरिएंट और 6GB और 64GB वेरिएंट अवेलेबल था, बट A50s में कंपनी ने 4GB और 128GB का वेरिएंट निकाला है और 6GB और 128GB का वेरिएंट निकाला है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने स्टोरेज पे ध्यान दिया है, स्टोरेज इसकी बढ़ा दी है, उसके अलावा कैमरा भी थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है और बैक रियर डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया है। चलिए इस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये A50 से बेटर है या नहीं। A50s, A50 से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों लगभग सेम दिखते हैं, दोनों का डिज़ाइन भी सेम है, ओवरऑल फॉर्म फैक्टर सेम है, काफ़ी अच्छा फॉर्म फैक्टर है। दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी बैक डिज़ाइन। इसका जो बैक डिज़ाइन है उसमें सिमिलर A30s जैसा ज्योमेट्रिक पैटर्न दिया हुआ है विद होलोग्राफिक इफेक्ट, बट ये प्लास्टिक का बना हुआ है। सेम A50 में जो प्लास्टिक यूज़ किया है वो सेम काइंड ऑफ प्लास्टिक इट हैज़ बीन यूज्ड हियर, तो बैक साइड पे स्क्रैचेस आने बहुत संभव है। अगर आप बिना कवर के यूज़ कर रहे हो तो स्क्रैचेस तो आने ही हैं। सिंगल हैंड से यूज़ करने में इसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये यूज़ करते वक्त मेरे से 2 फीट की ऊंचाई से गिरा और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जगह जगह पे इस पे डेंट्स आ गए हैं, स्क्रैचेस नहीं डेंट्स आ गए हैं। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कि आप कवर में यूज़ करें। गैलेक्सी A50s के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है विद 16 मिलियन कलर्स और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340p है और स्क्रीन रेशियो 19:5:9 है। डिस्प्ले इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वर्जन, दैट इज़ द सैमसंग गैलेक्सी A50। प्रोसेसर की बात करें तो A50s में 10 नैनोमीटर्स का एक्सिनस 9611 ऑक्टाकोर चिपसेट दिया है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है वो 4GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी है और इसमें सेपरेट स्लॉट भी दिया हुआ है मेमोरी कार्ड का, जिसमें आप 1TB तक मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हो। इस फोन में आपको और एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा जो आपको दूसरे कंपनी के फोन्स में नहीं मिलेगा, वो है सैमसंग पे। सैमसंग A50 में आपको NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी मिल जाता है। सैमसंग A50s का वजन 169 ग्राम्स है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A50। बैटरी जो है A50 और A50s की सेम है, 4000 mAh की बैटरी दी हुई है, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ, और इसमें 15W का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया। इसमें एज पैनल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हो, वेदर है, न्यूज़ है, बट ये जो एज पैनल है इसे एक्सेस करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले नहीं है। सैमसंग के जो हाई एंड फोन्स हैं उसमें कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, तो उसे एक्सेस करने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 9.0 विद 1UI 1.5, जो सैमसंग का लेटेस्ट वर्जन है 1UI का, वो आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। परफॉर्मेंस इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल ऐप्स यूज़ करने के बावजूद भी इसमें लैगिंग इश्यूज़ नहीं पाए गए हैं और हीटिंग इशू भी इसमें अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। इसमें और एक फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो A50 में नहीं था, वो है एज लाइटिंग। एज लाइटिंग जो है वो आपके नोटिफिकेशन पॉपअप को रिप्लेस कर देता है और इसमें आप एज लाइटिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे इसमें स्टाइल्स दिए हुए हैं जो आप सेट कर सकते हो एज लाइटिंग के। इस मॉडल में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे जो है कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर दी है एज़ कम्पेयर टू A50। इसमें आपको 48MP का मेन कैमरा दिया हुआ है विद एपर्चर 2.0 और 5MP का डेप्थ कैमरा फॉर पोर्ट्रेट इमेजेस एंड 120° अल्ट्रा वाइड लेंस 8MP का दिया हुआ है विद एपर्चर 2.2। कैमरा ऐप में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फूड मोड, नाइट मोड, पैनोरामा, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, और ये जो इमेजेस आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो बैक कैमरा से खींची हुई हैं और काफ़ी नेचुरल दिख रही हैं। कलर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डे लाइट में खींची हुई फोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे हैं, इसके डिटेल्स, कलर, कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, बट लो लाइट में खींची हुई फोटोग्राफ्स में यहाँ पे ये कैमरा मार खाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ क्लैरिटी इन दी लो लाइट इमेजेस।
लो लाइट में खींची हुई इमेजेस जो हैं बहुत ही लो क्वालिटी की हैं और ग्रेनी हैं। 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर से खींची हुई फोटोग्राफ्स को अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि एक 4:3 इमेज में कितना कुछ फिट हो सकता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा को अपग्रेड कर दिया है 232 मेगापिक्सल विद एपेचर 2.0। A50 का सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का था और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर और इम्प्रूव्ड कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा से खींची हुई इमेज की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और इसके जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे से ब्लर हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इससे अप टू 2160p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस फोन से सुपर स्लो मोशन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने कुछ माइनर अपग्रेड करके A50s के नाम से कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला है। हालांकि A50 और A50s में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी कैमरा एंड दी बैक रियर डिज़ाइन, बट इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है तो आगे चल के स्क्रैचेस आने के बहुत चांसेस हैं, तो उसकी जो खूबसूरती है वो शायद बरकरार नहीं रहे, इसलिए इसे कवर में ही यूज़ करना समझदारी रहेगी। और इसका जो कैमरा है कंपनी ने थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, बट अगेन यहाँ पे भी प्राइस के मामले में देखें तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट आपको सैमसंग का जो यूज़र इंटरफेस मिलता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, सैमसंग पे जैसे फीचर्स मिलते हैं वो आपको अन्य मॉडल अन्य कॉम्पिटिटिव फोन्स में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी कंपनी ने दो वेरिएंट्स निकाले हुए हैं तो मेरे हिसाब से 6 GB RAM विद 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन लेना सेंसिबल है, क्योंकि इन दोनों फ़ोन के बीच में सिर्फ 2000 रुपये का ही फ़र्क है। 6 GB वाला जो है 2000 एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू 4 GB RAM। आपको क्या लगता है A50s के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए।